ब्रेक तो बाद खबर सिलसिला एक बार फिर तो जारी है। पीरजी नैटवर्क के खिलाफ की जा रही कार्रवाई से हुण तक सानू उम्मीद सी कि कानून सबूतों के आधार से निरपक्ष कार्रवाई करेगा, पर सानू इस गल का अफसोस है कि हुण तक इस मामले की कार्रवाई में तत्थों ते सबूतों नू शायद पूरी तरह अणगौलिया किया जा रहा है। जांच में सहयोग देने के बावजूद पुलिस वालों एक पासड़ कार्रवाई की जा रही है। अजय असी क्यों कह रहे हैं, वेखो तत्थों ते सबूतों ते आधारित सारी है खास रिपोर्ट। पीटीसी प्रोग्राम दे नाल जुड़िया एक विवाद किवें एक डूंगी साजिश दे वाल इशारा कर रहा है, गल अज इस मुद्दे ते विस्तार दे नाल कीती जाएगी। मिस पीटीसी पंजाबी दी एक प्रतिभागी वालों कुछ इल्जाम लगाए गए, अदारा पीटीसी वालों भी पुलिस दे सामने अपना पक्ष रखा गया। लड़की वालों जबरदस्ती बंधक बना के रखन दे इल्जामां दे खिलाफ अदारा पीटीसी ने तमाम सीसीटीवी फुटेज पुलिस दे हवाले कीती सी। इस सीसीटीवी फुटेज दे विच इल्जाम लाउण वाली लड़की बिना किसे बंदिश घूमदियां, बिना बंदिश गलबात करदियां, बिना बंदिश अपने जानकारां दे नाल मिलदियां गिलदियां साफ विखाई दे रही है। उम्मीद सी कि पुलिस इन्हां तत्थां की रोशनी च बिना भेदभाव काम करेगी, पर शायद अजिहा हो ना सकिया। सीसीटीवी फुटेज पुलिस वालों वेखी तक नहीं गई, शायद तत्थां नूं जाण बुझ के अणगौलियां कीता गया। ते पीटीसी दे एमडी रविंदर नारायण नूं आखिरकार जांच च सहयोग देने दे बावजूद भी गिरफ्तार कर लिया गया। तत्थां दी बुक्कल चों मूंह बोल दी सच्चाई सने तस्वीरां विखावांगे अज तुहानूं अपनी इस खास रिपोर्ट दे राहीं। तकरीबन एक महीने तो पीटीसी अदारे नूं एक साजिश का शिकार बनाया जा रहा है। दहाकियां तो दर्शकों की पहली पसंद रहे पीटीसी अदारे की साख में सट मारन दियां साजिशां रचियां गईयां ने। मिस पीटीसी पंजाबी प्रतियोगिता च आई एक प्रतिभागी वालों पीटीसी नैटवर्क के एम डी सने होर प्रबंधकों से अजिहे गंभीर अते घिनौने इल्जाम लगाए गए जिन्हों का कोई आधार ही नहीं। खुद रू पीड़ित दसन वाली कुड़ी ने इल्जाम लगाउंदियां हाई कोर्ट का रुख किया कि उसनू पीटीसी के दफ्तर च बंदी बना के रखा गया, पर उसके वलों लगाए गए इल्जाम किवें बेबुनियाद ने असी तुहानू सबूतों के नाल विखावांगे। यह फुटेज 14 मार्च की है जदों वो कुड़ी पीटीसी के मोहाली दफ्तर के बाहर कुछ मुंडियां दे नाल गलबात करती नज़र आ रही है। उसके हाथ च उसका फोन भी साफ साफ वेख्या जा सकता है। नियमों के खिलाफ जाके जदों इस कुड़ी वालों बाहरले लोगों के नाल गलबात की गई तो शो की असिस्टेंट डायरैक्टर निहारिका वालों उसनू अजिहा करन तो रोकया गया, जिसते उस कुड़ी की प्रतिक्रिया किहो जी सी वह भी इन तस्वीरों के विच साफ साफ वेख्या जा सकता है। वो असिस्टेंट डायरैक्टर से हावी होने की कोशिश करती है, जिस तो बाद उन्हां दी आपस दे विच बहस हुंदी भी वेखी जा सकती है। इस तो बाद आउंदी है तीजी तस्वीर, जिस च वो कुड़ी एक दूजे रूम दे विच जाके बैठ जाती है, जिथे शो की एक होर प्रतिभागी पहलां तो ही मौजूद सी। इस तो बाद कुछ होर प्रतिभागियों का उस कमरे च आना जाना लग्या रहिंदा है। इस तो थोड़ी देर बाद यह कुड़ी सीसीटीवी कैमरे की पहुँच तो बाहर होने के लिए ठीक कैमरे के हेठां आके बैठ जाती है। इस दौरान वो अपने फोन का इस्तेमाल करती नज़र आती है। पीटीसी के दफ्तर के विच होर प्रतिभागियों विचाले इधर उधर घूमती भी साफ विखाई देती है। ते इस दे अगले दिन यानी कि 15 मार्च नूं शाम के तकरीबन 7:30 बजे हाई कोर्ट तो वरंट अफसर अते पुलिस मुलाजम जदों पहुँचते ने तो उदों भी वह कुड़ी होरना प्रतिभागियों के नाल ही बैठी हुई मिलती है। तो अपना नाम बोले जाते हाथ चुक के दसती है कि वह कुड़ी मैं ही हाँ जिसनों
बंदी बना के रखा गया। इस सारे सबूत साफ करते हैं कि खुद को पीड़ित दसन वाली कुड़ी जो खुद को बंदी बनाए जाने के इल्जाम लगा रही थी वो किन्ने को बंधक बनाई गई सी। इस सारी सीसीटीवी फुटेज के सामने आने तो बाद यह सवाल भी लोगों के जहन जा रहा है कि आखिर क्यों यह सबूत जब तक किए जांच इन्ना समा लगाया गया। तो उससे साडा तर्क ये है कि सानू पंजाब पुलिस से भरोसा सी, अपनी सच्चाई से भरोसा सी कि पुलिस इस सच को जनता के सामने ले आएगी। पर सच को सामने लिया तो दूर पुलिस ने यह फुटेज देखी तक नहीं। अजिहे च हुण सानू अपना सच दुनिया तक पहुंचाने लई अजिहा कदम चुकना पिया। ब्यूरो रिपोर्ट पीडीसी न्यूज। तो कहते हैं कि कानून भावें अंधा होंगे पर उस सबूत बखूबी देख सकता है, पर आखिरकार यह सबूत यह तथ्य पुलिस वालों क्यों अणगौलियां किए जा रहे हैं, गंभीर सवाल लगातार उठ रहे हैं। कानून अपना काम करे पर तथ्यों को अणगौलियां ना किया जाए, यही एक चीज़ समझने की जरूरत है। तस्वीर तुहानू कुछ होर विखाने इन तस्वीरों के प्रतख तौर पर वेख्या जा सकता है कि यह लड़की जी हाँ काला सूट पा के जड़ी लड़की खलोती है यही वो लड़की है जिस वालों शिकायत की गई, यही वो लड़की है जिस वालों इल्जाम लगाए गए कि इसनों बंधक बना के रखा गया। जी हाँ इस लड़की नू आखिर जेकर बंधक बना के रखा गया तो किवें बाहर जाके अपने जानकारां दे नाल मिलदियां गिलदियां विखाई दे रही है, आखिरकार किवें इस लड़की के हाथ के मोबाइल फोन विखाई दे रहा है। जी हाँ मोबाइल फोन के इस्तेमाल की यह तस्वीर तुहाडी टीवी स्क्रीन से तुसीं वेख पा रहे हो। शो की असिस्टेंट डायरैक्टर निहारिका दे नाल किस ढंग दे नाल उलझदी नज़र आ रही है, उस दे नाल गलबात करदिया उसके उपर हावी होने की कोशिश करती है, यतन करती है कि किसी ढंग दे नाल विवाद नू वधाया जा सके, पर फिर भी शो की असिस्टेंट डायरैक्टर ने उसनू कहा कि पिछे होकर गल कर। यह तस्वीरां मूहों बोलदियां विखाई दे रही ने कि किस ढंग दे नाल जी हाँ तरतीब मुताबक किस ढंग दे नाल शायद दिमाग दे विच कुछ होर चल रहा सी जां फिर आखिरकार की मंशा सी असीं तुहाडे ते छड्डदे आ, तुसीं इसका खुद फैसला करो। जी हाँ तुहानू दस दईए सारियां प्रतिभागियां जड़ियां उत्थे मौजूद सी, टोटल 30 कंटेस्टेंट्स जी हाँ 30 प्रतिभागियां जे ओकर उन्हां विचों बाकी 29 कहिंदियां ने कि सानू कोई दिक्कत परेशानी औकड़ नहीं आई, तो यह एक लड़की उठ के इल्जाम लगाउंदी है जिहड़ी कि उन्हां प्रतिभागियां दे नाल बाकी दे कंटेस्टेंट्स दे नाल ही घूमदी विखाई देंदी है, मोबाइल फोन वरतदी विखाई देंदी है। ऐसे लड़की वालों इल्जाम लगाया गया कि उसनू बंधक बना के रखा गया सी। जी हाँ जेकर वाकई च अजिही कोई चीज़ सी तां वो अपने फोन का इस्तेमाल कर सकती सी, जो कि वह कर भी रही सी, अपने फोन का इस्तेमाल करके वो अपने रिश्तेदारां नू अपने जानकारां नू सद सकती सी, जे कि जड़ा कि सद्या भी गया। जी हाँ काले कोर्ट दे विच शायद वो वकील सी जां फिर कोई प्रैक्टिसिंग लॉयर सी, उन्हां नू सद्या भी गया। ऐ पीटीसी मोहाली दे ऑफिस दे गेट दियां बिल्कुल बाहर दियां तस्वीरां तुहाडी टीवी स्क्रीन से तुसीं वेख पा रहे हो, जिथे वरंट ऑफिसर भेज के इस लड़की नू जो पूछा गया कि कौन है वो लड़की, हाथ खड़ा करके लड़की कहती है कि मैं वो लड़की हाँ, यह काला कोट पाए शायद कोई प्रैक्टिसिंग लॉयर हो सकता है या जानकार जो भी है। यह लड़की ऑफिस के बाहर आके गलबात करती है, मिलती गिलती है, मोबाइल ये हाथ के विच है। तुहानू दस दईए पुलिस वालों बकायदा वरंट ऑफिसर जो पीटीसी मोहाली दफ्तर भेजा गया उस तो ठीक पहले दियां तस्वीरां, एक दिन पहले दियां तस्वीरां भी तुहानू विखा रहे हैं, जदों यह लड़की शो की असिस्टेंट डायरैक्टर निहारिका दे नाल उलझन की कोशिश करती है, घूमती है फिरती है मोबाइल पर गलबात करती है, तो इल्जाम यह लगाए जाते हैं कि मैनू इत्थे बंधक बना के रखा गया सी। यह फैसला असी हुण दर्शकों ते छड्डदे हां कि आखिरकार इन्हां इल्जामां दे विच जद यह तथ्य पुलिस नूं पेश कीते गए तो